गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज अशबान, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हेलो, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक से होंगे। तो आज है संडे का दिन और मैं और ब्लेसिंग उठ चुके हैं, नोवा भी उठ चुका है, नोवा खड़ा होके जूस पी रहा है। तो आज संडे का दिन है तो आज हमारी छुट्टी और नोवा कह रहा जूस से खत्म कर लिया। वेल एनीवे, तो आज हम करने लगे हैं नाश्ता, हम उठ गए हैं अर्ली और आज संडे का दिन हम आप सबके साथ स्पेंड करेंगे। तो मैंने आज इंट्रो खुद दिया है क्योंकि आपके साथ मैंने बड़े दिनों से बात नहीं की, तो मैंने सोचा मैं भी आप लोगों से आज बातें करूं और मिल गया संडे का दिन, मैं ब्लेसिंग आपके साथ स्पेंड करेंगे। ये वेल एनीवे, तो हम बना रहे हैं आज फ्रेंच टोस्ट और फ्रेंच टोस्ट हो रहे हैं अभी ऑलमोस्ट रेडी। अच्छा, तो गाइस फ्रेंच टोस्ट सब बन रहे हैं और अभी हम कर रहे हैं इसको तैयार। अंडे हमने फेंक लिए हैं और अभी फ्रेंच टोस्ट खाते हैं। तो नाश्ते में आज है फ्रेंच टोस्ट, तो जैसे ही अभी तैयार रेडी हो जाती हैं तो अभी आपके साथ मिलकर हम नाश्ता करेंगे और फिर हम रेडी होंगे और फिर हम जा रहे हैं बाजार, वहाँ पे हम करेंगे ग्रोसरी और उसके बाद हम खाएंगे खाना। तो आज का पूरा डे आपके साथ स्पेंड होगा, सो सी यू गाइस। अच्छा, तो फ्रेंच टोस्ट बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और ज़ेनरा ने बनाए हैं और अभी आपको मैं खा के दिखाता हूँ कैसे के हैं। सो लेट्स टेस्ट। ज़ेनरा ने बनाया बहुत टेस्टी भी लगे, वैसे नॉर्मली कभी बनते ना ढीले ढीले होते हैं, मेरे को पसंद नहीं आते। तो क्रिस्पी हो, मज़ा हो और साथ में चाय हो तो और मज़ा आता है। चाय भी बना दी है तो फ्रेंच टोस्ट में खा दो, बताओ कैसे के। बहुत अच्छा, ना ज़्यादा मीठा है और ना इतना लाइट है, लेकिन बहुत टेस्टी है। नोवा आप खा के बताएंगे मुझे। मैं यहाँ पे खा रही हूँ क्रंथ बॉल के अंदर, मैंने यहाँ लगाया है चपली कबाब, जिसको मेवे वाला बंद कह सकते हैं, उसके अंदर मैंने चपली कबाब का बर्गर की तरह का बनाया है और फ्राइज हैं जो रात को हमने खाए थे, थोड़े से बचे हुए थे। तो मुझे इतना ब्रेड्स वगैरह नाश्ते में पसंद नहीं है, सो मैं कुछ अपनी तरफ से ही जो मेरा दिल चाह रहा होता है मैं वही खाती हूँ। नोहा और एशमन खा रहे हैं फ्रेंच टोस्ट। अच्छा, तो गाइस आज हमने जाना था बाजार लेकिन हम जा नहीं पाए क्योंकि बस बहुत थक गए थे, सोचा घर के सारे काम शाम आज करते हैं। तो ज़ेनरा ने बोला मुझे कि चलो फिर आज फिर पिज़्ज़ा खा लेते हैं और साथ में KFC ले लेते हैं। तो मुझे जो पसंद है KFC है और ज़ेनरा को पसंद था पिज़्ज़ा, तो ज़ेनरा ने ऑर्डर किया है ट्विन पिज़्ज़ा। ट्विन पिज़्ज़े के अंदर है हमारे पास इटालियन गार्लिक है ये वाला, और ये वाला कौन सा था, तरियाकी चिकन है, ये तरियाकी चिकन है और ये गार्लिक पिज़्ज़ा। और नोवा ने अपने ली है चिकन बकेट, नोवा को विंग्स बहुत पसंद है और साथ में इसे कोको का शेक लिया, शेक कौन सा शेक भी दिखा दो। और अब हम खाने लगे अपना खाना और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं क्रिसमस की डेकोरेशन जो हमारे मामा के घर में। मामा लोग जो हैं वो कैमरा में इतना आते नहीं है और भाई है वो भी थोड़ा शर्माता है, लेकिन हम तो आएंगे और आपको दिखाएंगे कि हम करके आ रहे हैं। तो डेकोरेशन आपको दिखाते हैं, इसके बाद पहले हम जल्दी से खाना खा लेते हैं। यस, हमने इससे पहले इटालियन गार्लिक पिज़्ज़ा कभी नहीं खाया और मैं भी ट्राई कर लूँगी। इसमें ब्रोकली चिकन मुझे नज़र आ रही है, गार्लिक का ज़्यादा मुझे फ्लेवर नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा गार्लिक है इसमें, लेकिन मुझे गार्लिक एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, सो आई थिंक आई लाइक इट। जी नोहा बताएं आपको कैसा लगा। नोहा खा रहा है तरियाकी पिज्जा और विंग्स भी खा रहा है नोहा। हम लोगों ने डिनर कर लिया है और बहुत ही टेस्टी था KFC और जो पिज़्ज़ा, इस दफ़ा हमने दो न्यू फ्लेवर्स ट्राई किए, दोनों बहुत मज़े के थे। हम आराम से बैठ गए हैं और जैसा कि एशमैन ने आपको बताया कि मामा ने क्रिसमस की डेकोरेशन कर ली है, हम उनके घर पर हैं इस वक्त और बहुत ही प्यारा घर लग रहा है, बिल्कुल क्रिसमस सीजन की फीलिंग आ रही है। सो मैं आपको जल्दी से डिटेल्स दिखाती हूँ कि इस दफ़ा डेकोरेशन क्रिसमस की मामा के घर में कैसे हुई है।
सो ये था जिस तरह हमने इस दफ़ा अपना संडे सेलिब्रेट किया. हमने बहुत इन्जॉय किया मामा के घर आकर भी, और बिल्कुल रेस्ट किया है. और क्रिसमस की डेकोरेशन आप देख चुके हैं कितना प्यारा लग रहा है. सो क्रिसमस सीजन की फीलिंग आ रही है मामा के घर आके. बहुत जल्द मैं अपना घर भी डेकोरेट करने वाली हूँ, मे बी नेक्स्ट वीकेंड. सो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी. मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.